हेलो गाइस, ये मैशिनरीज का पार्ट वन है। इसमें मैं बेसिकली मैशिनरीज के एग्जाम में दो टाइप के सम पूछे जा सकते हैं। एक टाइप का सम वो होता है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस सोर्स और वोल्टेज सोर्स होता है, और एक टाइप का ऐसा सम होता है जिसमें एम्पियर सोर्स भी होता है। तो मैं अभी इस पार्ट में मैं ये वाला सम सॉल्व करूंगा और एक सम सॉल्व करूंगा यही टाइप का। और जो दूसरा पार्ट होगा मैश एनालिसिस का, उसमें मैं वो सेकंड टाइप का सम सॉल्व करूंगा जिसमें एम्पियर सोर्स होता है। ठीक है, तो हम विदाउट एनी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द सम। अब कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं चाहता हूँ कि आप पहले समझ लें सम सॉल्व करने से पहले, क्योंकि हम डायरेक्टली सम को सॉल्व नहीं कर सकते, हमें पहले 2 दिन छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसे हम रेजिस्टेंस सोर्स कहते हैं और इसे हम वोल्टेज सोर्स कहते हैं। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2, 3, तो फॉर योर कन्वीनियंस अभी के लिए हम 2 दे देते हैं और इसको हम 5 देते हैं। ठीक है, तो अब जनरली सम सॉल्व करने से पहले हमें एरो एरो देने पड़ते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एरो देने के बाद सपोज हम कंसीडर करते हैं कि एरो ऐसा है। ठीक है, तो ये जो एरो होता है इसका जो हेड होता है इसे हम हेड बोलते हैं, ये हमेशा नेगेटिव होता है, और जो टेल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हेड जैसे कि मैंने बोला हेड नेगेटिव होता है, टेल पॉजिटिव होता है, उसी उसी तरह इधर भी हेड माइनस होगा और टेल हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर एरो देने के बाद, एरो मतलब ये तो एरो देना ही पड़ेगा, और एक बीच में एक एरो हमें रिवॉल्व करना पड़ता है जो होता है हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सपोज वो हमारा रिवॉल्व करने वाला एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस से ऐसे जा रहा है राइट डायरेक्शन में। तो हमेशा हमें ये देखना पड़ता है कि ये हमारा जो रिवॉल्विंग एरो है वो इस एरो के कहाँ से इस एरो के कौन से डायरेक्शन से निकल रहा है। तो ये एरो अब हेड के डायरेक्शन से निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है एरो। ठीक है, तो हेड का जो डायरेक्शन है उसका उसका साइन नेगेटिव है। ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं -2 और एरो का नाम, सपोज एरो का नाम होगा I1, तो हम लिखेंगे -2 I1। ठीक है, तो ये एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। और ये वोल्टेज के बारे में, अगर अगर हमारा एरो देखो, वोल्टेज में जो छोटी वाली स्टिक होती है इसे माइनस साइन होता है, और जो बड़ी वाली डंडी होती है उसका प्लस साइन पॉजिटिव साइन होता है। तो जो छोटी वाली डंडी होती है वो माइनस साइन, और जो बड़ी वाली डंडी होती है वो प्लस साइन। ठीक है, तो अगर हमारा एरो, ये वोल्टेज को हमें ऐसा वाला एरो नहीं देना पड़ता है क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस साइन दिया है, माइनस प्लस साइन दे के हो चुका है। हमें बस ये नीचे बीच में का एरो रिवॉल्व करना होता है, वो तो हमेशा ही होता है। ठीक है, सपोज इसका नाम है, एरो का नाम है I2। ठीक है, तो अब ये एरो रिवॉल्व होके ऐसे नीचे जा रहा है, तो अब ये वोल्टेज का ब्लॉक है। तो हमें ये देखना है कि एरो मतलब, अब देखो ये ब्लॉक है और एरो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। तो हमें जैसे कि हमें हमने इधर देखा कि एरो कहाँ से निकल रहा है, वैसे ही हमें इधर वोल्टेज के टाइम पे ऐसा देखना पड़ता है कि एरो कहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो एरो इधर माइनस साइन से निकल रहा है, इसलिए हमें -5 ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर -5 के बाद में I1 I2 I3 नहीं लिखना पड़ता है वोल्टेज, जब हम वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सिर्फ -5 लिखना पड़ता है। और अगर अगर सपोज वोल्टेज ऐसा रहा, अब देखो बड़ी डंडी हमेशा प्लस होती है, छोटी डंडी माइनस होती है, और
और मैंने एरो हमारा एरो नीचे जा रहा है, तो अब इधर मैंने बड़े दंडी नीचे लिखे है। अब देखो मैंने एग्जैक्टली उसका अपोजिट लिखा है, ठीक है। तो अब आपको समझना चाहिए इसलिए। तो अब हमारा एरो प्लस साइन से निकल रहा है, इसलिए हम +5 लिखेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझा होगा। अगर नहीं भी समझा होगा तो समझो, मैं समझाऊंगा, तब अगर आप अटेंशन दोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम सम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा सम है। अब ये मैश एनालिसिस का सबसे इजी सम है। तो हम शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला था कि सबसे पहले जब आप सम देखते हैं ऐसा मैश एनालिसिस का, तो हमें सम में कितने बॉक्सेस है वो देखना है। बॉक्सेस का मतलब ये है कि दो बॉक्सेस मिला के एक बॉक्स नहीं, एक इंडिपेंडेंट बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। अब ये सम है, इसमें 3 बॉक्सेस है, ये फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स और ये थर्ड बॉक्स, ठीक है। अब ये 2 बॉक्स का मिला के एक बॉक्स नहीं हो सकता है, ठीक है। वो सुपर मैश में होता है, वो मैं उसके लिए अलग अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा, उसमें मैं सुपर मैश एनालिसिस भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो हमें क्या पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सब में कितने इंडिपेंडेंट बॉक्स है, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद उन बॉक्सेस को हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो देना पड़ता है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि हर एक बॉक्सेस में हमें ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो देना पड़ता है। फिर उन एरोस को नाम देने पड़ेंगे। अब एरो देने के बाद हमें एरोस को नाम देना पड़ता है। अब जनरली हम I1, I2, I3 ऐसे एरो के नाम देते हैं, पर आप V1, V2, V3, C1, C2, C3 ऐसे भी दे सकते हो, पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए एरो के नाम I1, I2, I3 रहते हैं, ठीक है। तो मैं भी I1, I2, I3 देने वाला हूँ। I1, I2 और I3, ठीक है। अब हमारा जैसे कि आपको पता है कि नाम देना हो गया है, अब हम साइंस देंगे, रेजिस्टेंस और वोल्टेज को साइंस देंगे, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने बोला था उस मेथड से, अब वो आपको समझ में भी नहीं आया होगा, तो इधर मैं फिर से समझा रहा हूं, तो आप ध्यान दें। अब जैसे कि हम ये डब्बे में हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू ये एरो चलेंगे, ठीक है। तो ये एरो ऐसे चल रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे चल रहा है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। तो उस हिसाब से जो जैसे कि मैंने बोला बोला था कि जो छोटी वोल्टेज सोर्स में जो छोटी डंडी होती है वो हमेशा माइनस होती है, और जो बड़ी डंडी होती है हमेशा प्लस होती है, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स को साइन देना हो गया है। अब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के तरह आता है। रेजिस्टेंस में जैसे कि मैंने बोला था, एरो का जो हेड होता है वो नेगेटिव होता है और जो टेल होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब वैसे ही थ्री के रेजिस्टेंस पे आता है। अब यहां भी एरो का, जैसे कि एरो नीचे जा रहा है तो एरो का हेड माइनस होगा और एरो का हेड टेल प्लस होगा, ठीक है। अब 6 की तरह आते हैं। 6 पे भी एरो नीचे जा रहा है तो एरो का हेड माइनस होगा और टेल प्लस होगा, ठीक है। अब जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि इस ब्लॉक को एरो 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 देना और डायरेक्शन एरो डायरेक्शन और साइंस देना हो चुका है। अब हम अगले बॉक्स की तरह आते हैं। अभी हमारा अगला बॉक्स है। अब इस बॉक्स में भी ऐसे ऐसे ही कुछ करेंगे जैसे हमने फर्स्ट बॉक्स में किया था, ठीक है। तो पहला 3 की तरह आता है। अब ये एरो कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे ऐसे,
ऐसे और ऐसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिवॉल्व हो रहा है एरो, ठीक है। अब हम साइंस देंगे। अब जैसे कि मैंने बोला था रेजिस्टेंस में जो एरो का जो हेड होता है वो नेगेटिव होता है, टेल होता है जो पॉजिटिव होता है, ठीक है। वैसे इधर जो हेड होता है वो नेगेटिव होता है, टेल होता है जो पॉजिटिव होता है, टेल पॉजिटिव होता है, ठीक है। वैसे इधर हेड नेगेटिव, टेल पॉजिटिव। और वोल्टेज के टाइम पे जो छोटी डंडी होती है नेगेटिव और जो बड़ी डंडी होती है वो पॉजिटिव, ठीक है। अब सेकंड सेकंड बॉक्स में भी हमारा एरो देना, डायरेक्शन देना और साइन देना हो गया है। अब हम थर्ड बॉक्स की तरह आते हैं। अब थर्ड बॉक्स में भी ऐसे ही कुछ करेंगे। अब थर्ड बॉक्स में एरो कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें भी, ठीक है। अब फिर से हम वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। अब सिक्स रेजिस्टर में जो हेड होता है नेगेटिव, टेल होता है पॉजिटिव। इधर भी वैसे ही बड़ी डंडी पॉजिटिव, छोटी डंडी नेगेटिव। और इधर भी जो हेड होता है नेगेटिव, टेल होता है पॉजिटिव। और इधर भी, इधर जरूरत नहीं, इधर वोल्टेज सोर्स है तो छोटी डंडी नेगेटिव, बड़ी डंडी पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सम का 40% काम हो चुका है। अब हमें बस 60% जो बाकी है उसमें बस हमें इक्वेशंस बनाने हैं और आंसर निकालना है कैल्सियम मदद से, ठीक है। तो अब अगला स्टेप हमारा ये है कि हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो अब इक्वेशंस कैसे बनाते हैं मैं आपको बोलूंगा, थोड़ा आप ध्यान दीजिए इधर। अब इक्वेशन बनाने में कुछ ज्यादा, मतलब इक्वेशन बनाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके लिए बस हमें एरो एरो के डायरेक्शन में जाना होगा। एरो, हमने जो एरो दिया है बस उस डायरेक्शन में जाना होगा और अलग अलग साइंस के अलग अलग फंक्शन हो गए उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने बोला था कि जब वोल्टेज, अब हमारा हम एरो के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें हम वोल्टेज वोल्टेज के वोल्टेज से शुरू करते हैं फर्स्ट बॉक्स में, ठीक है। पहले फर्स्ट बॉक्स के लिए फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, सेकेंड बॉक्स के लिए सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे और थर्ड बॉक्स के लिए थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। अब ये चीज आपको बताना जरूरी है कि सब में जितने भी अननोन्स होते हैं, अननोन्स मतलब I1, I2, I3 ये अननोन्स है। तो सब में जितने भी अननोन्स होते हैं हमें उतने इक्वेशन फॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर तीन अब इस सब में तीन अननोन्स है तो उसके लिए हमें तीन इक्वेशन फॉर्म करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट डब्बा जब हम एरो के फर्स्ट डब्बे में हम जब एरो के डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा इक्वेशन वन फॉर्म होगा, सेकंड डब्बे में सेकंड इक्वेशन फॉर्म होगा और थर्ड डब्बे में थर्ड इक्वेशन फॉर्म होगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला था कि हमें बस एरो के डायरेक्शन में जाना है, तो उस हिसाब से जब हम वोल्टेज सोर्स, अब देखो ये वोल्टेज सोर्स का ब्लॉक है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि एरो कहाँ, ये आपका जो एरो है वो कहाँ से निकल रहा है। तो ये पॉजिटिव साइन बड़ी दंडी से निकल रहा है, तो बड़ी दंडी हमेशा पॉजिटिव होता है होती है, इसलिए हमें लिखना है +10, ठीक है। अब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के टाइम में हमें देखना है कि ये जो हम जिस एरो जो एरो हम रोटेट कर रहे हैं उस एरो के डायरेक्शन में जाना है। अब ये इधर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उस हिसाब से हमें नंबर लिखना पड़ेगा। अब इसमें ये जो वन का जो डब्बा है इसमें ये एरो कहाँ से निकल रहा है, नेगेटिव साइन से निकल रहा है, ठीक है। इसमें भी ये एरो पॉजिटिव साइन से निकल रहा था इसलिए हमने +10 लिखा। अब इससे वन के ब्लॉक में ये एरो नेगेटिव साइन से निकल रहा है इसलिए हम -1 और उसके आगे I1, I1 वो करंट का नाम है इसलिए -1 I1, ठीक है। ये हो गया। अब ये थर्ड के ब्लॉक थ्री थ्री पे आते हैं हम लोग। अब थ्री में भी ये जो हमारा रिवॉल्विंग एरो है वो नेगेटिव नेगेटिव से निकल रहा है, ठीक है।
अब इसलिए हम -3i1, अब क्योंकि क्योंकि ये 3 i2 भी शेयर कर रहा है इसलिए माइनस, इसलिए तो हम अगर अगर कोई रेजिस्टेंस कोई दूसरा करंट शेयर कर रहा हो तो हम लिखते हैं -3 i1, तो हम ऑलरेडी लिखते हैं, और उसके बाजू में हमको लिखना पड़ेगा +3 i2, क्योंकि क्योंकि ये 3 का जो रेजिस्टेंस है वो i2 पे शेयर कर रहा है इसलिए, ठीक है। और ये प्लस क्यों, क्योंकि ये मतलब जो i1 का ब्लॉक है उसमें हमारा एरो माइनस से निकल रहा है, पर i2 के ब्लॉक में प्लस से निकल रहा है यही एरो, ठीक है। इधर माइनस है इधर प्लस है, ठीक है, इसलिए -3 i1 +3 i2। i2 क्यों, क्योंकि इधर के साइड में ये ब्लॉक का नाम i2 है, ठीक है। अब हम ऐसा ही कुछ सिक्स के टाइम पे करेंगे। अब 6 में ये हमारा एरो फिर से नीचे नीचे से नीचे के डायरेक्शन से निकल रहा है, उसका मतलब है हमारा एरो माइनस माइनस से निकल रहा है, इसलिए हम -6 i1। अब माइनस के बाजू में क्या है, +6 i3, i3 क्योंकि ये 6 i3 भी शेयर कर रहा है, ठीक है। अभी हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया है, = 0। अभी हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, अभी प्रॉपर तो नहीं है, हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, पर अभी हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, i1 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 6 9 10, -10 i1 +3 i2 +3 i2 और +6 i3 = -10। ये हमारा प्रॉपर इक्वेशन नंबर 1 है, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि मुझे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आपको समझाने में ज्यादा इजीली इजी होगा। अब हम इक्वेशन 2 मतलब कि ब्लॉक 2 में आ जाते हैं। अब इक्वेशन 2 बनाने के लिए हमें सेकंड डब्ल्यू के एरो से रिवॉल्व होना पड़ेगा। अब देखो, अब सेकंड डब्ल्यू के एरो में हम 5 से शुरू करते हैं, ठीक है। अब जब 5 वोल्टेज आता है तब तो हमें ये देखना नहीं पड़ता कि वो किससे शेयर हो रहा है, बस हमें लिखते हमें हमें ये देखना है कि हमारा हमारा जो जिस एरो से हम रिवॉल्व हो रहा है वो कहां से निकल रहा है। अब ये जो 5 का डब्बा है अब ये माइनस से निकल रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम -5 लिखेंगे, आगे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ -5 लिखना है, -5 i2 या -5 i3 या -5 i2 +5 i3, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। जब वोल्टेज आता है बस हमें सिर्फ -5 लिखना है, मतलब अब इधर जैसे कि हमने +10 लिखा था, इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करते टाइम +10 लिखा था, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे शेयर हो रहा है, वो हमें लिखना नहीं है वोल्टेज के टाइम पे, बस हमें +10 या -10 ऐसा लिखना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब इधर माइनस से निकल रहा था इसलिए हमने -5 लिखा। अब हम 3 3 पे आ जाते हैं। अब जब रेजिस्टेंस होता है तब तो हमें देखना है किससे शेयर कर रहा है या कहाँ से हमारा एरो निकल रहा है, उसका नाम क्या है करंट का, वो हमें देखना पड़ता है रेजिस्टेंस के टाइम पे, वोल्टेज के टाइम पे नहीं, ठीक है। तो अब हमारा एरो इधर हमारा जो एरो है वो माइनस के डायरेक्शन से निकल रहा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे -3 i2, और क्योंकि अब ये 3 i1 भी शेयर कर रहा है इसलिए हमें लिखना है +3 i1, क्योंकि इसे i1 शेयर कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब
हम टू की तरह आते हैं। अब इधर भी है माइनस 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 की डायरेक्ट माइनस से निकल रहा है हमारा एरो, ठीक है, तो हम लिखेंगे -2i2, ठीक है। अब क्योंकि ये टू को शेयर नहीं कर रहा है कोई दूसरा i1 i2 i3 को शेयर नहीं कर रहा है, इसलिए हम -2i2 ही लिखेंगे। अगर i3 या i4 शेयर कर रहा होता तो हम हमें अगला आगे सोचना पड़ता कि ये माइनस के बाजू में क्या है। अगर प्लस होता तो प्लस प्लस टू आई थ्री होता, सॉरी i4 होता, ऊपर i4 शेयर कर रहा होता, पर ऊपर i4 है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमें सिर्फ माइनस -2i2 लिखना है। अब हम फाइव पे आ जाते हैं। अब हमारा एरो फिर से नेगेटिव डायरेक्शन से निकल रहा है, तो -5i2, ठीक है। अब वोल्टेज का तो हो गया था, तो इस ब्लॉक के लिए ये इक्वेशन हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसे सॉल्व करना पड़ता है पड़ेगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करता हूं मैं, i1 + 3i1 -10i2। ये इक्वेशन होने के बाद इज इक्वल टू हमेशा 0 होता है, ठीक है। 3i1 -10i2 -5 इज इक्वल टू 0। तो -5 को उधर लेके जाएंगे, 3i1 -10i2 इज इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं प्रॉपरली ऊपर ऊपर लिख देता हूँ ताकि मैं इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व कर सकूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ चुका है, ठीक है। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 बनाने के लिए हमें थर्ड डब्बे में एरो के डायरेक्शन से रिवॉल्व होना पड़ेगा। तो हम वोल्टेज से शुरू करते हैं। तो अब हमारा एरो जैसे कि प्लस से निकल रहा है, अब देखो ये जो एरो है वो प्लस से निकल रहा है, तो इसीलिए हम लिखेंगे 20। आगे तो कुछ लिखना है नहीं, मैंने बोला था कि वोल्टेज में आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम 6 पे आते हैं। तो ये हमारा एरो माइनस से निकल रहा है, ठीक है, इसलिए हम -6i3, और क्योंकि ये 6 i1 भी शेयर कर रहा है, इसलिए माइनस के बाजू में क्या है, प्लस प्लस 6i1, ठीक है। अब फिर से वोल्टेज, अब ये एरो प्लस से निकल रहा है, ठीक है, इसे +5। अब ये एरो इधर 4 में भी माइनस से निकल रहा है, ठीक है, इसलिए -4i3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया। अब 20 के लिए ये लिखा, 6 के लिए ये, 20 के लिए ये लिखा, 6 के लिए ये लिखा, और 5 के लिए ये लिखा, 4 के लिए ये हो गया। अब इससे पता चलता है कि हमारा इक्वेशन हो गया है। तो हम आगे सॉल्व करते हैं। 6i1, अब i2 है ही नहीं इधर, i2 है ही नहीं, इसलिए हम i2 नहीं लिखेंगे। 6 -10i3 और +25 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, 6i1 -10i3 +25 इक्वल टू 0, ठीक है। जो हमारे तीनों इक्वेशन आ गए हैं।
इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन टू और थ्री, ठीक है। अब हमें अब इधर सम का 80% नो 90% काम हो गया है, अब बस हमें इक्वेशन कैलसी में डालने हैं और आंसर निकालने हैं। तो उसके लिए हम ये कैलसी यूज करते करेंगे, इसका नाम है कैसियो एफएक्स 991ES+। ये एग्जाम में अलाउड होता है। तो अब इक्वेशन इसमें कैसे डालेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब कैल्सी में सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में ऑन नाम का बटन होता है, बटन दबाया होता है, उसे दबाओ। फिर मोड में जाओ, ऑन के बाजू में मोड मोड का बटन होता है, उसे दबाओ। फिर इधर फाइव है वो दबाओ। फिर अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में कितने अननोन है, तो इसमें तीन अननोन है। तो अगर तीन अननोन के क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर टू पे जाना है, मतलब जो सेकंड बटन है वो प्रेस करना है, टू नंबर का बटन प्रेस करना है। और अगर आपके सामने दो अननोन हो गए तो ऑप्शन नंबर वन, तो ऑप्शन नंबर वन प्रेस करना है, क्योंकि उसमें भी दो ही अननोन है। ऑप्शन नंबर टू में थ्री अननोन है इसलिए, और हमारे भी सम में भी थ्री अननोन है इसलिए हमें इस बार टू प्रेस करना पड़ेगा। पर अगर टू अननोन हो गए तो वन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें बस ये जो नंबर है वो कैलसी में डालना है, मतलब अब देखो, जब आप जब टू दबा दे हो तो आपके सामने थ्री रोज और हर एक रो के आगे चार चार बॉक्सेस आते हैं, ठीक है। तो वो चार मतलब पहले रो का मतलब होता है कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड रो का मतलब होता है सेकंड इक्वेशन, और थर्ड रो का मतलब होता है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट रो में जो चार डब्बे होते हैं वो बेसिकली कुछ नहीं, पहला डब्बा इसके लिए होता है, सेकंड डब्बा इसके लिए होता है, थर्ड डब्बा इसके लिए होता है, और फोर्थ डब्बा इसके लिए होता है, ठीक है। और सेकेंड रो का मतलब होता है सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड रो के चार डब्बे का मतलब होता है फर्स्ट डब्बा इसके लिए, सेकेंड डब्बा इसके लिए, थर्ड डब्बा I3 के लिए। अब इसमें I3 नहीं है इसलिए हम उसमें जीरो डालेंगे, और फोर्थ डब्बा इसके लिए, ठीक है। और थर्ड रो का मतलब होता है थर्ड इक्वेशन, उसमें भी आपको चार डब्बे मिलेंगे। तो पहला डब्बा इसके लिए, दूसरा डब्बा I2 के लिए, तीसरा डब्बा I3 के लिए ये, और जैसे कि I2 नहीं है इसलिए उसकी जगह हम जीरो डालेंगे, और चौथा डब्बा इसके लिए। अब ये जो 25 है वो इज इक्वल टू के हमेशा उधर होना चाहिए। अब ये 25 प्लस 25 उधर गया तो -25, ठीक है। जब आप इक्वेशन बनाते हो तब आपको यही ध्यान रखना है कि जो ये नंबर होता है, जो इक्वेशन में आपका सिर्फ नंबर होता है, वो हमेशा इज इक्वल टू के उधर रहना चाहिए, तभी आप इसके इसके अकॉर्डिंग वो डाल सकोगे, मतलब डायरेक्टली डाल सकोगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो थर्ड रो का मतलब होता है थर्ड इक्वेशन। उसमें चार डब्बे आप देखेंगे, पहला डब्बा इसके लिए, सेकंड डब्बा इसके लिए, सॉरी सेकंड डब्बा I2 के लिए। अब इसमें I2 नहीं है तो आपको उधर जीरो डालना पड़ेगा। थर्ड डब्बा I3 के लिए, और फोर्थ डब्बा इसके लिए, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। अब पहले डब्बे में हम एंटर करेंगे -10, पहले रो के पहले डब्बे में हम एंटर करेंगे -10, पहले रो के दूसरे डब्बे में हम एंटर करेंगे, सॉरी -10 दबाने के बाद इज इक्वल टू, जब आप दबाओगे तब आप सेकंड डब्बे में वो ब्लॉक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड डब्बे में थ्री इज इक्वल टू, फिर वो ब्लॉक अगले डब्बे में शिफ्ट हो जाएगा, फिर सिक्स इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू, वो अब सेकेंड रो में फर्स्ट डब्बे में शिफ्ट होगा, फिर थ्री इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू, अभी जैसे कि मैंने बोला था सेकेंड रो का थर्ड डब्बा I3 के लिए होता है, अब I3 इधर नहीं है इसलिए हम उधर जीरो डालेंगे, इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, अब वो शिफ्ट होगा थर्ड रो के फर्स्ट डब्बे में, ठीक है। उसका सिक्स इज इक्वल टू, अब जैसे कि मैंने बोला था थर्ड रो का सेकंड डब्बा I2 के लिए होता है, पर इधर I2 नहीं है इसलिए उसकी जगह हम जीरो डालेंगे, जीरो इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू -25 इज इक्वल टू। अब
जब आप ऐसा करते हो तो आप कैलसी आपको दिखाता है एक्स इज इक्वल टू 47/11। तो जब 47/11 होता है तब तो आपको उसके लिए स्पेशली पेपर पे 47/11 लिख के डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इधर एस इज इक्वल टू डी नाम का बटन होता है, वो दबाओगे तो आपको आंसर 4.27 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर है एक्स इज इक्वल टू 4.27। ठीक है, तो आगे और एक बार इज इक्वल टू दबाओगे तो 43/55 होगा, तो फिर से एस डी दबाना पड़ेगा। तो आपको दिखाएगी दिखाएगी वो कैलसी दिखाएगा वाई इज इक्वल टू 0.78। ठीक है, और एक बार इज इक्वल टू दबाओगे तो जेड इज इक्वल टू 557/110 दिखाएगा। फिर से हमें एस डी दबाना पड़ेगा, तो दिखाएगा जेड इज इक्वल टू 5.06। ठीक है, तो अभी एक्स वाई जेड वो कैलसी दिखा रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड क्या है, हमारे थ्री अननोन्स है। तो कैलसी हमें हमेशा एक्स वाई जेड के ही फॉर्म में आंसर दिखाएंगे दिखाएगा, पर ये हमें समझना चाहिए कि एक्स वाई जेड कुछ नहीं, बस I1, I2, I3 है। ठीक है, तो यह x हमारा I1 है, y हमारा I2 है और z हमारा I3 है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे I1, I2, I3 जो हमारे तीन अननोन से उसकी वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, तो जब हमें I1, I2, I3 मिल जाते हैं तो हम पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे ये है कि फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। तो 2 मिनट, तो क्वेश्चन हमारे ये है फाइंड द फाइव ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब हम हमें 5 ओम रेजिस्टर दिखता है तो हमें ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन में 5 ओम रेजिस्टर किधर है। तो वो है ये हमारा 5 ओम रेजिस्टर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में और कोई 5 ओम रेजिस्टर नहीं है, ये जो 5 है वो वोल्टेज है, ये इसे वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो 5 वोल्ट है, ये हमारा 5 ओम रेजिस्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि इसके थ्रू जो करंट जा रहा है उसका वैल्यू बोलो। ठीक है, तब हमें ये देखना है कि ये 5 ओम रेजिस्टर के थ्रू कौन सा करंट जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो I2 जो है वो देखो वो ऐसे 5 के थ्रू जा रहा है ना, इसलिए जो I2 है वो 5 में से जा रहा है। ठीक है, वही वही क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो हमारा आंसर है I2, I2, I2 का जो करंट होगा वो हमारा आंसर है। तो I2 का जो वैल्यू है वो है 0.78। ठीक है, तो 0.78 हमारा आंसर है। फिर आगे एम्पियर आएगा क्योंकि वो करंट है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। ठीक है, और उसके आगे ये एरो नीचे, ये देखो ये जो नीचे दे है ना वही एरो इधर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब जैसे कि आप आपको पता आप समझ ही गए होंगे कि ये जो ट्यूटोरियल है वो थोड़ा लंबा हो रहा है, 15 मिनट से ज्यादा हो गया होगा। तो मैं अब मैश एनालिसिस के लिए सेकेंड और थर्ड ट्यूटोरियल बनाऊंगा। सेकेंड ट्यूटोरियल में मैं एक ऐसे सम सॉल्व करूंगा जिसमें मैं आपको और एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप वेरीफाई कर सकोगे कि जो आपने आंसर निकाला निकाला है वो राइट है या नहीं, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं चल रहा कि यही आंसर राइट है कि नहीं। एग्जाम में आपको पता नहीं चलेगा कि आंसर आपने जो आंसर निकाला है वो राइट है या नहीं। तो सेकेंड ट्यूटोरियल में मैं आपको ऐसे एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप वेरीफाई कर सकोगे कि आपका आंसर राइट है या नहीं, और साथ ही साथ ऐसा एक सम सॉल्व करूंगा और उस पे वो ट्रिक अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। इसलिए वो ट्यूटोरियल इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट। और मैथ एनालिसिस के थर्ड पार्ट में मैं आपको एक सम करके दिखाऊंगा जिसमें मैं एम्पियर सोर्स लूंगा। ठीक है,